क्योंकि उन लोग रश करने हैं बीटीआर के ऊपर स्ट्रेट अप ओपन से, उनको बहुत जगह से शॉट्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात बीटीआर 69 के सारे बंदे जोन के अंदर नहीं आ पाए। ग्रेनेड्स बहुत प्यारे तरीके से यूज किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो हर एक कोने में ग्रेनेड आ रखा है। ये ग्रेनेड के अगर टीम 69 के बहुत क्लोज ग्रेनेड होता तो ये ग्रेनेड उनके अगेंस्ट जा सकता था। बीटीआर के सक्सी ने वहां पर 69 लॉट को डाउन किया एंड प्ले जोन से भी 69 मोहा डाउन हो चुके हैं। सो दैट मीन्स यहां पर शॉट 69 के लिए दिक्कत है बढ़ती हुई। बीटीआर के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं आगे, मैकबॉय स्लोली एंड स्लोली मूव कर रहे हैं, किस तरीके से वो स्पॉट कर पाए प्लेयर को एंड फिनिश कर पाए उनके लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्ट इनके आगे एक दीवार हो गया एंड उस दीवार के पास वहां पर प्लेयर्स होने वाले हैं। मेरे को लगता है शॉट 69 के प्लेयर्स के लिए दिक्कत है आ चुकी है, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, बट स्टिल वहां पर बीटीआर ले गए ये वाली फाइट बहुत अच्छे तरीके से। अब बस इनको जीतने के हिसाब से क्रेट्स मिलेंगी, क्रेट्स की लूट मिलेगी एंड ये लूट लेकर ये लोग आगे मूव करना चाहेंगे जोन में। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीटीआर के जस्ट राइट पे ऊपर में आईएनडी की स्क्वाड, अगर वो आईएनडी की स्क्वाड बीटीआर को स्पॉट कर ले तो बहुत ही प्यारा यू नो आईएनडी एक फाइट ले सकते हैं, उनके लिए 3-4 इजी किल्स आ सकते हैं। पर यहाँ नहीं है इंटरेस्टिंग चीज, ओशन 6 जोन अभी भी 33 प्लेयर बचे हैं, 10 टीम बचे हैं, कितने सारे टीम्स 4 मैन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। वहां बीटीआर के राइजर ने टीम आईएनडी के स्लेयर को नॉक कर दिया है, अगर हम टीम आईएनडी की तरफ जा सके तो फिर वहां पे हमें पता चलता है कितना इंटरेस्टिंग फाइट हो रहा था वहां पे टेम्पो के एक्सटेंड एसजी के ऑस्टिन एक्स, फाइनली ऑस्टिन एक्स को नॉक किया। आई थिंक वहां पे आईएनडी भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। यस, बीटीआर ने पुश किया आईएनडी आउट, एसजी आउट, आईएनएस लास्ट होप अभी बचे इंडियंस के लिए। आई थिंक दे आर स्टिल इनटू द टॉप 7, अभी भी पुश में है। यहां बीटीआर ओपन से पुश करते हुए फुटबॉल को पकड़े, पर भाई बीटीआर के पुश से कौन ही बचता है। एंड यहाँ पे लक्सी वहां पे स्पॉट करते हुए रॉन को, एंड कितना इजी तरीके से 15 किल ले चुके हैं बीटीआर। एंड यहाँ पे बीटीआर पूरे रन में है, बहुत ही सॉलिड रन में है, अभी भी 22 लोग बचे हैं उसमें से 15 किल इनके हाथ में। टेम्पो स्टॉर्म काफी अच्छा खेली है, रेड अच्छा खेली है, आईएनएस भी अच्छा खेली है, ओमेन मेगा, आई थिंक सारे टीम्स जिन्होंने अर्ली टूर्नामेंट में टेम्पो पकड़ा था दे आर बैक। यस, आपने बिल्कुल सही चीज बताई है एंड आईएनएस की स्क्वाड मूव करना चाहते हैं बिकॉज उनको ओमन एलिट से फाइट चाहिए। फुटबॉलर्स की टीम वहां पर मीनवाइल एलिमिनेट हो चुके हैं। यहां पर भीष्मा डाउन थे, भीष्मा फिनिश हो सकते हैं मेरे ख्याल से क्योंकि वो डाउन बहुत क्रिटिकल हेल्थ पर डाउन था। टेम्पो की स्क्वाड भी चाहते हैं किस तरीके से वो फाइट ले पाए एंड जिस अभी वो सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पर आना चाहेंगे कुछ भी करके, बट देन बीटीआर का कमबैक एक बहुत ही बढ़िया कमबैक था वीकेंडी के इस मैप के अंदर। टेम्पो स्टिका आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन एंड वहां पर रेड की स्क्वाड ने फाइट लेना शुरू कर दिया टेम्पो की स्क्वाड के साथ, लेकिन पीछे से उनको मेगा से बहुत अच्छे तरीके से शॉट्स पड़ रहे हैं। मेगा भी वापस आना चाहती है, चिकन डिनर देखने को मिल सकता है, आई थिंक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। स्मोकी नॉक होते हुए वहां पे बीटीआर के जक्सी ने टेम्पो के सारे प्लेयर्स को पीछे से पकड़ लिया एंड वहां पे टेम्पो एक्स के निको नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे। बीटीआर 18 किल हो चुकी है, आईएनएस यहां पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, हम आ चुके हैं लास्ट 5 टीम, 14 प्लेयर बचे हैं। बीटीआर टीएस ओएम मेगा रेड 18 किल, 4 किल, 1 किल, 2 किल, 1 किल एंड 4v3v3v2v1 का सिचुएशन है। बीटीआर लुकिंग सो स्ट्रांग राइट नाउ, मतलब ये गेम बीटीआर के लिए पूरा टूर्नामेंट बदल देगा। ऑब्वियसली मेगा आई गेस इज लूजिंग देयर टॉप स्पॉट क्योंकि बीटीआर यहां पे 40 से कुछ भी, आई थिंक यहां पे तो 45 पॉइंट्स का भी बढ़ोतरी देख सकते हैं। बीटीआर के पास सबसे अच्छी चीज ये कि चारों प्लेयर्स जिंदा है, मैन पावर जो निकल कर आता है वो बीटीआर से कोई इस टाइम नहीं छीन सकता, बट मेगा की स्क्वाड ही अकेली ऐसी स्क्वाड है जो ये चीज कर सकती है क्योंकि मेगा एक हमने देखा कितने अच्छे तरीके से 3 मैन स्क्वाड के अंदर भी उन्होंने गेम्स बदले हैं काफी ज्यादा पहले भी और अब देखना पड़ेगा कैसे करें। लेकिन बीटीआर ने वहां पर टेम्पो एक्सट्रीम को डाउन किया, 19 किल्स उनके हाथ में आ चुके हैं। बीटीआर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है इस पूरे गेम में मेरे ख्याल से। मेगा की स्क्वाड स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रही है बट इनको स्टिल अभी भी जोन में जाना है, 34 और मीटर है इनके पास जोन में जाने के। टेम्पो एक्सटीका ने वहां पर ओमन लिट के एक और प्लेयर को डाउन किया है, स्प्रिंग डाउन हो चुके हैं बट देन जस्ट इनके क्लोज में टेम्पो एक्स के एक और प्लेयर डाउन हो चुके, जूते भी डाउन हो चुके हैं। टेम्पो एक्स के प्लेयर अकेले बहुत कम हेल्थ के अंदर है, यहां पर वाईफाई भी उतनी ही हेल्थ के अंदर फाइट ले रहे हैं। तो ये होगा, ओ चीका ने एक क्राउड शॉट के एंड बहुत प्यारे तरीके से डाउन किया टेम्पो एक्स को, गेम के अंदर जिंदा रखा। अभी ओमन लिट टॉप 5 के अंदर आगे 5th पोजीशन पर एलिमिनेट होते हुए 7 किल्स टेम्पो के पास आते हैं। गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है क्योंकि ओमन लीड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी अभी तक, बट देन टेम्पो ने गेम उनसे छीन लिया है, अपने 2 प्लेयर्स खत्म करवा चुके हैं लेकिन स्टिल एक प्लेयर अकेला गेम के अंदर सरवाइव कर रहा है पोजीशन के लिए, पॉइंट्स के लिए। मीनवाइल बीटीआर चारों प्लेयर्स अभी भी आप देख सकते हो अपने आसपास स्मोक करके एक पेड़ का कवर बनाकर इनके जस्ट आगे टेम्पो का प्लेयर है, क्या ये अकेले उनको फिनिश कर पाएंगे। वहां पर मेगा पॉइंट्स भी डाउन होकर फिनिश हो चुके हैं, मेगा का प्लेयर पीछे ऑनलाइन 24 रेड के क्लोज, रेड के प्लेयर ने समझ लिया था कि यहां पर प्लेयर है, ऑनलाइन को अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन गाड़ी फोड़ते हैं बीटीआर के पास, 20 किल्स आ चुके हैं, 21 किल्स बीटीआर के हाथ में, 1v4 का सिचुएशन रेड के क्लोज, 4 प्लेयर्स मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, रेड के पास कवर है बट देन ये कवर 4 प्लेयर्स इनको कोई भी हेल्प नहीं दिलवा पाएगा एंड मेरे को लगता है यस 23 किल चिकन डिनर बीटीआर कमिंग अप विद दोस 43 पॉइंट्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंड क्या गेम